हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों अपने पास एक आज हम नए अपडेशन डालने वाले हैं। अपने पास एक स्कोडा आई है, स्कोडा लोरा 15 मॉडल। तो इसमें हम बताते हैं आपको क्या फॉल्ट कोड है, गाड़ी में क्या है, चेक लाइट आ रही है और प्लस गाड़ी थोड़ी दब के चल रही है। दब के इन द सेंस कि गाड़ी थोड़ी रुक के चल रही है, इंजन थोड़ा प्रेशर के साथ चल रहा है, तो पिकअप नहीं है गाड़ी में। तो अब गाड़ी में हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा स्कैन करके देखते हैं अपना सिस्टम से, गाड़ी में देखते हैं क्या फॉल्ट कोड आ रहा है। अगर अपना इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट कोड रहा तो हम आपको आपसे शेयर करेंगे कैसे हमने इसको करा, कैसे इसके हमने इसका सॉल्यूशन निकाला। तो अभी हम आपको दिखाते हैं, अपने पास ये स्कैनर है लॉन्च का, इसमें हम गाड़ी को स्कैन कर रहे हैं। आपको पता ही होगा कहाँ जाके स्कैन होता है, फिर भी आपको एक बार बता दे रहे हैं। ये हम यहाँ पे स्कोडा में गए, स्कोडा में जाके ओके कर दिया हमने। दोस्तों आपको अगर कोई भी क्वेरी हो किसी भी चीज को लेके, किसी भी गाड़ी को लेके, कोई भी मॉड्यूल को लेके, तो आप हमारे YouTube चैनल में कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, वहाँ पे हम आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन उसका दे देंगे। तो भाइयों अपने पास दो फॉल्ट कोड आ रहे हैं इस गाड़ी में, एक तो है फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर का, रेगुलेशन कंट्रोल डिफरेंस इसका है, प्लस एक है मास एयर फ्लो का। तो मास एयर फ्लो का तो हम लाइट ले लेते हैं थोड़ा, एक बार उसको फिर भी इसका कपलर वपलर चेक कर लेंगे। ये फ्यूल प्रेशर जो है इसका, हम इसमें जो फ्यूल रेल का है या बॉश पंप का है, इसमें हम देखेंगे किस चीज में प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हम आगे जाएंगे बोनेट पे, उसका स्विच विच अच्छे से चेक करके तब हम आपको दिखाते हैं इसका कैसे करना है। तो दोस्तों अभी हमने इसका सोल्यूशन निकाल लिया है, इसमें जो इसका फ्यूल पंप का जो प्रेशर वो था, स्विच था, उसमें प्रॉब्लम थी, तो उसके वायर में हल्का सा कट था, वो हमने रिपेयर कर दिया है। तो अब हम आपको इसका दिखाते हैं, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। तो अब हम आपको दिखाते हैं इसमें स्टार्ट करके और इसको इंजन रनिंग पे भी हम दिखाएंगे, इसमें कोई फॉल्ट कोड नहीं आ रहा, हमने चेक कर लिया है, फिर भी आपको इसको शो कर देते हैं। भाई गाड़ी स्टार्ट करो जरा, एक बार दिखाओ। तो दोस्तों हमने अभी गाड़ी स्टार्ट कर ली है, अब हम इसको दोबारा डीटीसी का रीड कर रहे हैं, तो इसमें कोई फॉल्ट कोड नहीं आ रहा, आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों इसीलिए हमारा जो मेन पर्पस रहता है वीडियो डालने का, हमारा यही मेन पर्पस रहता है, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो किसी भी गाड़ी में, आप हमारे यूट्यूब चैनल में कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट में लिख सकते हैं, हमें ये प्रॉब्लम है, ये गाड़ी है, हम उसका एकदम टाइम से अपडेट देंगे आपको, क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसका सोल्यूशन निकाले। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, उससे क्या होगा आपको भी उससे हेल्प मिलेगी, प्लस जो और नए बंदे रहेंगे उनको प्रॉब्लम रहेगी उनकी भी। तो अगर आपको कोई गाड़ी बहुत ही ज्यादा सता रही हो, आपको बहुत ही प्रॉब्लम हो रही हो, स्टार्ट नहीं हो रही हो, तो उसमें क्या करना है आपको गाड़ी बिल्कुल सता रही हो आपको भी पेट्रोल पंप पे, इसमें क्या करना है आपको उस सिचुएशन में, किसी बाइक से पेट्रोल निकाल लेना है या पेट्रोल पंप से 20 रुपए का पेट्रोल लगाना है, और 20 रुपए का पेट्रोल लागे इस पे इंजन पे 20 रुपए का पेट्रोल लागे उसके इंजन पे डाल देना है थोड़ा सा, और थोड़ा सा गाड़ी में अंदर डाल देना है सीटों पे, फिर एक माचिस लेके 1 रुपए वाली वो डागे गाड़ी में लगा देंगे कस्टमर। तो इससे आपका